सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग जो है डेवलपमेंट ऑफ डाइकॉट एम्ब्रियो के बारे में पढ़ लिए हैं, स्टडी कर चुके हैं। इस पार्ट में हम लोग उसी को फ्लो चार्ट के रूप में जो है स्टडी करेंगे। ध्यान दीजिए, हमने क्या बताया था कि जैसे डाइकॉट एम्ब्रियो डेवलपमेंट कैसे होता है, तो सबसे पहले हमने आपको बताया था कि जो फर्टिलाइजेशन जब होता है तो फर्टिलाइजेशन के बाद जो है जाइगोट बनता है, जो फर्स्ट जो है जनरेटिव न्यूक्लियस है वो जो है इम्ब्रियो सैक में जो है एक सेल जो होता है उससे जो है फ्यूजन करके और जाइगोट का जो है निर्माण करता है। जाइगोट को ऊ स्पोर भी कहते हैं। इसके बाद जो है हमने आपको इसके पहले बताया था कि जो जाइगोट है वो डिवाइड होगा, जाइगोट जो है डिवाइड करेगा और डिवाइड करके देखिए एक जो है बेसल सेल और दूसरा एपिकल सेल। देखिए मैंने इसके पहले जो है फिगर से बताया था कि जो है बेसल सेल को सस्पेंसर सेल भी कहते हैं और एपिकल सेल को टर्मिनल सेल या इम्ब्रायनल सेल भी कहते हैं। ध्यान दीजिए ये सारी बातें हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में कर चुके हैं। तो देखिए ध्यान दीजिए ये जो बेसल सेल है ये जो है फिर से रीडिवाइड करेगा और रीडिवाइड करके डिवाइड टू फॉर्म 6 to 10 जो है सस्पेंसर सेल बनाता है। 6 से लेकर के 10 नंबर तक सस्पेंसर सेल बनाता है। इसके बाद हमने आपको बताया था ध्यान दीजिए ये जो फिर जो है जो सस्पेंसर सेल है वो जो है फर्स्ट सेल ऑफ सस्पेंसर टुवर्ड्स माइक्रोपाइल। देखिए जो सस्पेंसर सेल का जो है लास्ट सेल है, लास्ट देखिए फर्स्ट जो है माइक्रोपाइल पोर्शन से बोलेंगे और लास्ट जो है चलाजा पोर्शन से बोलेंगे। तो मतलब कहने का फर्स्ट सेल ऑफ सस्पेंसर टुवर्ड्स माइक्रोपाइल, अगर माइक्रोपाइल की तरफ से बोलेंगे तो फर्स्ट सेल, तो ये जो है जिसको हाइस्टोरियम कहते हैं या हाइस्टोरियल सेल भी कहते हैं, तो जो है इसको हम बता चुके थे जो सस्पेंसर सेल होता है जो स्वेलप हो जाता है और ये क्या बन जाता है हाइस्टोरियम। अच्छा ये जो है इसके अंदर वैस्कुलर सेल पाए जाते हैं, इसके अंदर जो है वैस्कुलर सेल पाए जाते हैं, जरा ध्यान दीजिए। अच्छा इसके बाद हमने बताया था कि लास्ट सेल ऑफ सस्पेंसर, देखिए ध्यान दीजिए लास्ट सेल ऑफ सस्पेंसर, हमने आपको ये बताया था कि जो है जो फर्स्ट सेल ऑफ सस्पेंसर, लेकिन वो चला जाए इंड से, वो किस इंड से चला जाए इंड से, लेकिन अगर लास्ट सेल ऑफ सस्पेंसर टुवर्ड्स इम्ब्रियो, टुवर्ड्स इम्ब्रियो, देखिए ध्यान दीजिए एक्चुअल में क्या है जो आपका, इसके पहले ये हम बता चुके थे, ध्यान दीजिए ये जो है आपका यही सेल जो है सस्पेंसर का जो है ये जो सेल है ये हाइपोफाइसिस कहलाता है, और जो देखिए ये जो सेल्स हैं ये सेल और ये लास्ट वाला सेल ये हाइस्टोरियम कहलाता है, ये मैं बता चुका था कि इसी को हाइपोफाइसिस कहते हैं। तो लास्ट सेल ऑफ सस्पेंसर, लास्ट सेल आप देखिए ये है आपका इम्ब्रायो, ये आपका इम्ब्रायो है, तो ये यही जो है इम्ब्रायो है, तो समझिए टुवर्ड्स इम्ब्रायो, तो आपके सोचने का फर्क है बस, इसको क्या कह सकते हैं फर्स्ट सेल चलाजा पोर्शन की ओर, जो चलाजा पोर्शन में देखिए सस्पेंसर सेल यहाँ से शुरू हो रहा है तो फर्स्ट सेल भी कहला सकता है, बट इंड बदल जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब ठीक है कि लास्ट सेल ऑफ सस्पेंसर टुवर्ड्स इम्ब्रियो, ये इम्ब्रियो है आपका,
तो देखिए हाइपोफाइसिस कहलाता है, हाइपोफाइसिस कहलाया था। और ये जो हाइपोफाइसिस है इसको आपको ध्यान देना पड़ेगा कि फॉर्म पार्ट ऑफ रूट कैप, मैं बताया था आपको ये जो है क्या बनाता है, रूट कैप बनाता है। ये क्या बनाता है, पिछला वीडियो उठा के देख लीजिए, खोल करके देख लीजिए, ये रूट कैप बनाता है और रेडिकल बनाने में भी जो है ये हेल्प करता है, ये रेडिकल बनाने में भी हेल्प करता है। तो ये रहा जो है, देखिए एक बात बता दें, इस बात को समझिए जरा ध्यान से, ये जो आपका बेसल सेल या सस्पेंसर सेल था इसकी पूरी कहानी आपको फ्लो चार्ट के रूप में बता दी गई। अब जो है जरा ध्यान दीजिए, जो एपिकल सेल या टर्मिनल सेल, ये वाले जो सेल थे, ऊपर वाले जो सेल थे वो डिवाइड करेंगे, तो वो डिवाइड करके हमने बताया था कि जो है वो जो है पहले सिंगल सेल में डिवाइड होगा, फिर सिंगल सेल डबल सेल में डिवाइड होगा, डबल सेल जो है ये फोर सेल में डिवाइड होगा, बताया था मैंने। तो देखिए ये जो टर्मिनल एपिकल आब्लिक टर्मिनल सेल आब्लिक इम्ब्रायनल सेल, ये तीनों एक ही चीज है, तो ये पहले जो है क्या डिवाइड होकर के जो है इस तरह से क्वाड्रेंट स्टेज बनाता है, क्वाड्रेंट स्टेज बनाता है, इसके बाद जो है ऑक्टेंट स्टेज बनाता है, बता चुका हूँ, इसके बाद ये नंबर ऑफ सेल जो है ये एट हो जाते हैं, तो उस स्टेज को कहते हैं ऑक्टेंट स्टेज। और देखिए ऑक्टेंट स्टेज टू टायर में एडजस्ट हो जाते हैं, टू लेयर में एडजस्ट हो गए। तो देखिए ये जो है एक फर्स्ट लेयर जो है ईपी बेसल लेयर बताया था मैं, वो जो है क्या है प्लूमूल का निर्माण करता है, प्लूमूल और कार्टिलीडन का निर्माण करता है। प्लूमूल जो है इससे जो है आपका स्टेम या सूट सिस्टम बनेगा, इससे आपका सूट सिस्टम बनेगा, और कार्टिलीडन जो है आपको जो है जर्मिनेशन के समय फूड प्रोवाइड करता है, जर्मिनेशन ऑफ सीड के समय फूड प्रोवाइड करता है। अच्छा जो दूसरा लेयर है हाइपोबेसल लेयर, हाइपोबेसल सेल, तो वो जो हाइपोबेसल सेल्स थे वो जो है हम बताए थे कि रेडिकल का फॉर्म करता है, रेडिकल और रूट कैप बनाता है। तो ये जो है बात को समझिए, ये जो ऑक्टेंट स्टेज है ये आपको समझ में आ गया होगा, वहां भी मैंने बताया था ऑक्टेंट जो एट सेल है वो टू टायर में जो है एडजस्ट हो जाते हैं, और एक पहला टायर है आपका फोर सेल का, तो जो फोर सेल का जो है पहला जो है लेयर है ये ईपी बेसल लेयर, एक बार बता दे रहे हैं, जो कि प्लूमूल और कार्टिलीडन बनाता है। हाइपोबेसल लेयर जो फोर और जो है सेकंड जो टायर है, तो ये हाइपोबेसल लेयर हाइपोबेसल सेल ये जो है रेडिकल और रूट कैप बनाता है। चलिए उसके बाद हमने बताया था आपको ऑक्टेट स्टेज जो है फिर जो है चेंज हो जाता है 16 सेल्ड में, देखिए 8 सेल्ड से 16 सेल्ड, उसको बोला गया था ग्लोबुलर स्टेज, उसको बोला गया था ग्लोबुलर स्टेज। अच्छा ग्लोबुलर स्टेज जो है आपका टॉर्पीडो स्टेज में चेंज हो जाता है, हमने बताया था कर्व्ड स्ट्रक्चर बन जाता है जिसको टॉर्पीडो स्टेज कहते हैं, इसी को हार्ट स्टेज, हार्ट टाइप जो है स्ट्रक्चर भी बनता है तो हार्ट स्टेज भी कहते हैं। अब देखिए ये जो है आपकी पूरी कहानी जो है ये फ्लो चार्ट के रूप में बता दी गई। इसके बाद एक बात बता दें, इम्ब्रियो डेवलपमेंट इन डाइकॉट इज नोन है क्रूसिफर टाइप, ध्यान दीजिए ये जो है बात को समझिए, जो इम्ब्रियो डेवलपमेंट डाइकॉट का जो इम्ब्रियो डेवलपमेंट होता है वो क्रूसिफर टाइप होता है, क्रूसिफर टाइप, या इसको जो है ओनाग्राड टाइप कहते हैं, ओनाग्राड टाइप। ये किसमें पाया गया, कैप्सेला में, किसमें पाया गया कैप्सेला में, तो याद कर लीजिए कि इसको जो है जो इम्ब्रियो डेवलपमेंट है इसको जो है
जो भी डाइकॉट में इम्ब्रियो का डेवलपमेंट है वो क्रूसिफर टाइप कहते हैं, उसको क्रूसिफर टाइप डेवलपमेंट कहते हैं या ओनाग्राड टाइप जो है डेवलपमेंट कहते हैं। इसको जो है कैप्सेला नामक प्लांट में पाया गया। तो ये था आपका डाइकॉट, डाइकॉट के बारे में जो डाइकॉट का इम्ब्रियो डेवलपमेंट है उसके बारे में आपको बता दिया गया।